नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि वाणी को वीणा बनाइए, वाणी को बाण मत बनाइए। वीणा बनाएंगे तो इससे निकली हुई सुंदर जो तान है वो मन को सुकून देगी, आनंद देगी, और यदि बाण बनाएंगे तो घाव देगी, और घाव तो तकलीफ ही देती है। और यदि हम दूसरों को घाव देंगे तो हम जानते हैं कि हमें भी घाव खाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो क्यों ना अपनी वाणी के माध्यम से हम सबको सुकून दें, शांति दें, प्रेम दें, ना कि इसके माध्यम से किसी को तकलीफ प्रदान करें। है तो सुंदर सार्थक बात, लेकिन कई बार इसका ध्यान नहीं रख पाते, और इसीलिए आज के सुंदर सुवाक्य में इसी की बात। गुस्से से बोले हुए बोल हमारे जीवन के अंदर बहुत नुकसान करते हैं, और जब तक होश आता है तब तक वक्त निकल जाता है। जीवन के अंदर जोश से, गुस्से से, आवेश से बोले हुए बोल घाव का काम करते हैं, जिसे हील करना और भरने में बहुत समय लग जाता है। कहा जाता है कि गुस्से के बोल तलवार का काम करते हैं, जो रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसीलिए हमें ये याद रखना है कि किस प्रकार से हम गुस्से को और आवेश को कंट्रोल करें। विज्ञान ये भी कहता है कि गुस्से का हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। गुस्से से हमारे 75 ट्रिलियन सेल से भी ज़्यादा सेल्स को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हम हमेशा याद रखें कि जब भी गुस्सा आए उसे अवॉइड करें, और अवॉइड करने के लिए राजयोग मेडिटेशन, जिससे कि हमारे भीतर की शांति की शक्ति बढ़ती है और हमारे जीवन में अधिक से अधिक समानता और दूसरों के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। ओम शांति। सुवाक्य हमें याद दिला गया महाभारत का प्रसंग, कि कैसे द्रौपदी के एक वाक्य ने इतना बड़ा महाभारत कर दिया। सचमुच यदि वाणी को हम मरहम के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो दूसरों के दिलों में उतर जाते हैं, लेकिन यदि यही वाणी पीड़ा देने वाली हो जाए तो वो आजीवन सामने वाले को खलती रहती है, और उसकी बददुआएं या फिर उसका क्रोध भी हम पर बरस पड़ता है। तो इसका बहुत बहुत ध्यान रखेंगे मित्रों, कि हम अपनी वाणी से सबको सुकून देते चलें। और ये कार्य हम दूसरों को सहयोग के तौर पे भी करें। कईयों के जीवन में अनेक प्रकार की तकलीफें होती हैं, जब हम उन्हें सुकून भरे शब्द कहते हैं, ये सहयोग प्रदान करते हैं। सहयोग केवल अन्न का, धन का या अन्य प्रकार के स्थूल सहयोग की बात नहीं, लेकिन वाणी के माध्यम से अपने मन से भी यदि शुभ भावना रखते हुए हम दूसरों को सहयोग प्रदान करते हैं तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही अनुकूल असर आता है, और ये भी बहुत गहरी साइकोलॉजी है। कैसे हम जब दूसरों को मदद करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, इसी पर सुंदर प्रकाश डॉक्टर साहब आज हमें प्रदान कर रहे हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी हमने कोविड के समय में देखा कि लोगों को बचाया लोगों की अपनी इम्यूनिटी ने, जिनके पास इम्यूनिटी थी स्ट्रांग, वो इस इन्फेक्शन निमोनिया होने के बाद भी बच गए, सीरियस होने के बाद भी निकल आए। और जो ऐसे थे जो इनके अंदर इम्यूनिटी कम थी,
डर था, चिंता थी, गुस्सा था, तो वो कम इन्फेक्शन में उनकी डेथ हो गई और वो बच नहीं सके। तो दोस्तों, हम अगर चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना, तो एक बहुत सुंदर तरीका है, दूसरे लोगों की मदद करो, सपोर्ट करो। अगर आपका कोई फ्रेंड बीमार है, तकलीफ में, खाली बीमार नहीं, कोई तकलीफ भी है उसको, कोई प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, उनको आप उनकी मदद करने के लिए पहुंचो। कोई संबंधी है तो उसकी आप मदद करो। अगर कोई आपका ऑफिस में भी काम करने वाले साथी हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उनकी आप मदद करें। उसको कोई आप थोड़ी काउंसलिंग दें, या कुछ से ऐसे किसी काउंसलर से मिला दें, या ऐसे डॉक्टर से मिला दें जो उसकी मदद कर सके। और उसको अगर कुछ मदद की ऐसी कुछ और भी मदद की आवश्यकता है, वो भी आप कोशिश करें प्रोवाइड करने की, तो आप देखेंगे आपके पास इतने अच्छे सपोर्ट्स पैदा हो जाएंगी वो समय आने पर, जब आपको आवश्यकता होगी तो वो लोग भी आपकी मदद करेंगे, और आपको अंदर से एक फील होगा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, परमात्मा तो मेरे साथ है, परमात्मा भी इसमें आपको दुआएं देंगे, और आपको समाज से एक अच्छी सपोर्ट सदा मिली रहेगी, और कभी भी आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज ही इसको ट्राई करके देखिएगा, और आप आइए, आप देखेंगे शाम को सोने के समय कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और आपको नींद भी अच्छी आएगी, और अगले दिन सुबह भी आप फ्रेश उठेंगे। ओम शांति। तो मित्रों, हम दूसरों को मदद करते चलें, वास्तव में दूसरों को की गई मदद हमारी खुद की ही मदद है। कितनी सुंदर सी बात है ना, सामने वालों के दिल को भी हम जीत लेते हैं, उनकी आवश्यकता को भी पूरी कर देते हैं, और साथ साथ उनकी दुआओं के भी पात्र बन जाते हैं, जो हमें सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करता है। और यही तो वास्तव में जीवन है, समाज का ढांचा यदि इस रूप में बन जाए कि सभी एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दें, तो सचमुच कितना आनंद उत्सव भरा जीवन हो जाएगा हर एक का। और यही प्रयास रहता है मित्रों, हमारे सभी बड़ों का भी, जो विशिष्ट जन हमारे बीच आते हैं और जो अपने अनुभव साझा करते हैं इस रूप में कि क्यों ना हम एक दूसरे के लिए जिएं, क्यों ना हम सबके पास जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। इससे एक दूसरे के अनुभव में भी वृद्धि होगी और हम सफलता और विकास की ओर आगे बढ़ पाएंगे। और यही कारण है कि विशिष्ट जन की बातें विशेष में हम अपने विशेष अतिथियों को आमंत्रित करते हैं उनके सुंदर अनुभवों के लिए, ताकि उनके अनुभव रूपी रत्न हमारे भी काम आ सकें। आज हमारे साथ हैं अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एस मड़ियन जी। So now the problem facing the student community is that most of the time the students spend with computers, with the cell phones, internet. So if the students community spend most of the time with machines, they lack the human relationship. Unfortunately, in today's world, many of the teachers are just, they teach only the subject, and they are not competent to offer counseling to students and teach them the ethics and moral values. So this is time that we train the teachers so that they make the citizens, mold the students as good citizens. When they come out, the students would be able to balance themselves in times of difficulty. They should be able to manage themselves. They should be able to come out. There are different ways of molding them into good citizens. One is first to offer them certain programs like yoga and meditation so that they could balance themselves emotionally. The other programs are like national service, national social service programs, Red Cross, like where the students will have ample opportunity to work as a team. They can be involved in rural service, health service,
they can be taken to villages and they can be given opportunity to serve in the village, to help the farmers, to help the artisans. मित्रों कहते हैं कि एक छोटे बच्चे को बोलना सीखने में 1.5 से 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना और कहाँ बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। वास्तव में बोलना भी एक कला है। शब्दों का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन शब्दों का सही सही इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे किया जाए, ये सिखाती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ कि कैसे हम अपने इस अनमोल धन का सही सही सदुपयोग करें, क्योंकि यदि इसका दुरुपयोग होता है तो हानि तो हमें ही होती है। वो कहते हैं ना कि जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन ये हड्डी तुड़वा ज़रूर सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने शब्दों को बहुत सही सही तरीके से अपने आप को और दूसरों को आगे बढ़ने में प्रयोग कर सकें। कैसे ये सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियां सभी को सिखाती हैं और सिखा रही हैं, आइए देखते हैं उसकी एक सुंदर झलक। ब्रह्मा कुमारीज मुलुंड सबजोन द्वारा ऑफ शॉट्स निर्मल लाइफस्टाइल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया। यह आयोजन आध्यात्मिक लक्ष्य को लेकर खेल के माध्यम से दुनिया को प्रेरित करने, जोड़ने और शांति लाने के लिए किया गया। इसका प्राथमिक ध्येय विभिन्न आयु वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान तथा राजयोग द्वारा शांति प्रदान करने का सरल तरीका सिखाना है। सभी ने प्ले कम लर्न टूर्नामेंट के शानदार अवसर का लाभ उठाया और विश्व परिवर्तन का हिस्सा बने। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मशाल और तुलसी के पौधे से किया गया। मुख्य रूप से 6 महिला टीमों ने इस टूर्नामेंट में बड़े जोश के साथ भाग लिया। मुख्य वक्ता बीके जयश्री ने कहा कि खेलों में कौशल और दक्षता में सुधार के लिए राजयोग मेडिटेशन आवश्यक है। मुलुंड क्षेत्र की संचालिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर गोदावरी दीदी जी ने खेल में राजयोग की भूमिका पर सबका ध्यान केंद्रित किया और कहा कि कल्पना करें, जीवन के खेल में भगवान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सभी खिलाड़ी हैं और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। समापन समारोह में सभी विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और प्रत्येक प्रतिभागी को भागीदारी प्रमाण पत्र और आशीर्वाद कार्ड प्रदान किया गया। सुंदर सेवा कार्य ब्रह्मा कुमारी इसका, जो प्रतिदिन हम देखते हैं और प्रेरित होते हैं कि हम भी इस प्रकार की सुंदर सेवा से जुड़ें। मित्रों ब्रह्मा कुमारी के कैंपस में एक बहुत सुंदर सा स्लोगन लगा हुआ है जो मुझे बहुत प्रेरित करता है और हमारे आज के विषय के अनुकूल है। स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, तौल कर बोलो। कितनी सुंदर सी बात है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, तौल कर बोलो। यदि ये सुंदर सी सीख, सुंदर सी धारणा हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन बहुत अनमोल हो जाएगा। मित्रों ज़रूर आज सारे दिन इस पर विचार कीजिएगा कि कैसे इसे अपने जीवन में लाया जा सकता है और कैसे इसके लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि अच्छी बातें केवल सुनने के लिए नहीं लेकिन हम सबको जीवन में धारण करने के लिए है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।